नमस्कार, हिंदी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूँ कृष्णपाल राठौर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एयर स्पेस क्या होता है, आखिर बार बार पाकिस्तान भारत को ये धमकी क्यों देता रहता है कि हम अपना एयर स्पेस बंद कर देंगे, और अगर किसी भी मुल्क का एयर स्पेस बंद होता है तो उसे कितने पैसों का नुकसान हो सकता है। हम इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि एयर स्पेस जो है इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, और ये एयर स्पेस कहाँ पर बनाया जा सकता है, कहाँ पर नहीं बनाया जा सकता है। हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में एयर स्पेस के बारे में पूरी जानकारी देंगे। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि एयर स्पेस होता क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। दरअसल जैसे हम सड़कों पर गाड़ियाँ चलाते हैं, ट्रेन की पटरी पर ट्रेन चलती है, ठीक उसी तरह से एक मार्ग आकाश में बनाया जाता है जिसे एयर स्पेस कहा जाता है। उसी मार्ग पर कोई भी प्लेन गुजरता है और उसी मार्ग पर एरोप्लेनों की आवाजाही होती है, वही एयर स्पेस होता है। सबसे पहले 1903 में इसकी शुरुआत हुई थी जब इस धरती से पहला एरोप्लेन उड़ाया गया था। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान हमें बार बार ये धमकी क्यों देता रहता है कि हम अपना एयर स्पेस बंद कर देंगे। दरअसल कोई भी देश जब एक दूसरे से नाराज़ होते हैं तो वे अपने व्यापारिक संबंध, किसी भी तरह का एयर स्पेस भी एक तरह का व्यापार है, तो किसी भी तरह का जो व्यापार है वो ख़त्म करना चाहता है, और पाकिस्तान का भी कुछ यही हाल है। अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 और 35 के ऊपर जो कड़ा कदम उठाया गया है उससे पाकिस्तान नाराज़ है, इसलिए उन्होंने एयर स्पेस बंद करने का फैसला लिया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर कोई भी कंट्री एक दिन के लिए भी एयर स्पेस बंद करती है तो उसे करोड़ों में नुकसान होता है, करोड़ों में। दोनों कंट्रियों का नुकसान होता है, जो बंद करती है उसका भी और जो बंद नहीं करती है उसका भी। जो बंद करती है उसका किस तरह से नुकसान होगा आप ये सोच रहे होंगे। तो जब भी कोई कंट्री अपना एरोप्लेन दूसरी कंट्री के थ्रू भेजती है तो आप ये समझिएगा कि उसको उसका टैक्स मिलता है, इस तरह से उसका नुकसान होता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एयर स्पेस किन जगहों पर बनाया जा सकता है और किन जगहों पर नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों, ये सरकार के हाथ में होता है कि वो किस जगह पर एयर स्पेस बनाना चाहती है, लेकिन अनुमन जैसे प्रधानमंत्री का घर हुआ, राष्ट्रपति भवन हुआ, जितनी VVIP जगह है वहाँ पर एयर स्पेस नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि खतरा बहुत ज़्यादा होता है। कोई भी आतंकवादी एरोप्लेन से बम गिरा सकता है उस VIP जगह पर, हमारी धरोहर को ख़राब कर सकता है, और भी कई आतंकवादी घटनाएं इससे हो सकती है, इसलिए इसमें बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरती जाती है। दोस्तों, उम्मीद है कि हम आपको इस वीडियो में एयर स्पेस के बारे में पूरी जानकारी दे पाए होंगे। अगर इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो आपको अगर देखना है तो आप हिंदी खबर पर लगातार बने रहिएगा। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।